हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी अबाउट मैथ एक्सरसाइज 2.1। इसमें आज क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 6 इज वाई व्हाट नंबर शुड -2y3 की पावर -3 बी डिवाइडेड सो डेट द कोशेंट इज 9/8 -2 इसकी पावर। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि -2/3 की पावर -3 में किससे डिवाइड दिया जाए कि जो कोशेंट है वो 9/8 की पावर -2 प्राप्त हो जाए। तो देखिए, इसमें सपोज द नंबर बी एक्स, यानी हमने माना कि वह नंबर एक्स है, क्योंकि उस नंबर की तो आपको जानकारी है नहीं, इसलिए उस नंबर को हम एक्स मान लेंगे। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा था किस नंबर से डिवाइड दिया जाए, तो हमने क्या किया, एक्स से ही डिवाइड दे दिया, -2/3 की पावर -3 में डिवाइड बाय एक्स। यानी एक्स से ही इसमें अगर डिवाइड देंगे तो क्या होगा, इसमें ये इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। बोल रहा था कि साथ में क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन में कहा गया था कि कोशेंट 9/8 प्राप्त हो जाए, तो इक्वल टू में लिख दिया 9/8 -2। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, तो अब वैल्यू एक्स की जगह पे आप निकालना कि एक्स की जगह पे कौन सा नंबर वह आना है। तो एक्स इक्वल टू आएगा 9/8 × -2/3 की पावर -3। ये मल्टीप्लाई डिवाइड का जो है मल्टीप्लाई हो गया इसमें, इसलिए हो गया क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज की, तो साइन भी क्या हो जाता, चेंज, प्लस होता तो माइनस हो जाता, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें डिवाइड था इसलिए मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पावर जो है 9/8 की -2 दी गई है, और नंबर जो होता है माइनस में होता नहीं है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, पावर को चेंज करेंगे, तो 9/8 का करेंगे आप 8/9, और इसकी पावर हो जाएगी +2। इसी तरीके से इसमें देखिए -2/3, इसको चेंज करेंगे आप 3/2 - तो ये पावर हो जाएगी प्लस में, ठीक है। इसके बाद 8/9 की पावर 2 है, तो 8/9 को 2 टाइम आपको राइट करना है। 3/2 की पावर 3 दी गई है, यानी -3 दी गई है, तो देखिए इसको आपको राइट करना है 3 टाइम्स। अब देखिए जो नंबर इसमें कैंसिल हो रहे हों उनको आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करने पे आपका आंसर आ जाएगा -8/3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर एट दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 की पावर -4 and -2/3 की पावर 2 इज डिवाइडेड बाय अ नंबर। इसका मीन्स ये है कि 3/4 और -2/3 का जो प्रोडक्ट किया जाएगा और जो आंसर आएगा उसको एक नंबर से डिवाइड दिया जाएगा, और जब डिवाइड दिया जाएगा सो डेट द कोशेंट इज 3/5, तो जो कोशेंट आएगा 3/5 आएगा, तो फाइंड अ नंबर, तो आखिर वो नंबर क्या होगा, तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। देखिए जैसा कि क्वेश्चन में कहा था 3/4 और -2/3, इनका क्या करना है, पहले प्रोडक्ट करना है, तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट करेंगे। देखिए अब बोल रहा था इसके प्रोडक्ट को डिवाइड दिया जाए किसी नंबर से, तो वो नंबर सपोज द नंबर बी एक्स, उस नंबर को मान लिया एक्स। तो देखिए कंडीशन यहाँ पे ये बनेगी कि इस इक्वेशन को आप डिवाइड दे रहे हैं एक्स से, तो अपॉन में क्या लिख दिया, पूरी इक्वेशन के नीचे यानी पूरे नंबर के नीचे लिख दिया एक्स। अब यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो 3/4 लिखा हुआ था, ये जो 3/4 है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 4/3 हो गया। ये क्यों हो गया, इसका ये कारण है कि 3/4 की पावर जो थी वो -4 थी, मैंने बताया था आप चेंज करते हैं इसको, तो चेंज करने पे प्लस का 4 चाहिए था हमको, तो उसका पोजीशन आप चेंज कर देंगे, 4/3 हो जाएगा, एक्स से डिवाइड देना है। फिर साथ में कहा था कि डिवाइड देने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 5/3 की पावर 2, तो सामने आप उसका आंसर लिख देंगे इक्वल लगा के 5/3 की पावर 2। ये बन गया क्वेश्चन आपका। अब इसको सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे जो एक्स है इस एक्स का मल्टीप्लाई होगा 5/3 की पावर 2 में, यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा,
इसके नीचे अगर हम 1 को लिख देते हैं 5.3 के नीचे, तो इस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये तो सेम आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जब x का मल्टीप्लाई किस में होगा 5/3 की पावर 2 में, यानी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। तो देखिए जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पे लिख देंगे x इंटू 5/3 की पावर 2। इसके बाद x इक्वल टू क्या आएगा, 4/3 की पावर 4 है, तो इसको आप 4 बार राइट कर दीजिए, यहाँ देखिए 4 बार राइट हो गया ये। -2/3 की पावर 2 है, तो इसको 2 बार राइट कर दीजिए, हाँ माइनस, जब 2 को आप 2 बार राइट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए 2/3 2/3। इसके बाद जो 5/3 है इसको भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन्हीं के साथ, तो 5/3 का हो जाएगा 3/5, यानी जो आपका लिखा हुआ है 5/3 इसका हो जाएगा आपका 3/5। इसके बाद इसका सॉल्यूशन आगे देखिए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा इसमें, यहाँ पे ये 3 कैंसिल हो रहे थे तो कैंसिल कर देंगे आप इनको। इसके बाद जो 4 लिखा हुआ है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 1 2 3 4 4 लिखे हैं टोटल, तो 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2, इसको भी लिखेंगे आप। इसके बाद 2 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1, जिसका मतलब 2 ही होता है, इस 2 को लिखेंगे 2 की पावर 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज होगा एक्स की पावर एम मल्टीपल एक्स की पावर एन इक्वल टू एक्स की पावर एम प्लस एन। अब 2 की पावर जितनी भी दी गई सभी को ऐड कर देंगे, तो टोटल आ जाएंगे आपकी 2 की पावर 10। नीचे दिया गया 3 की पावर 4, 4 इसलिए आया क्योंकि 1 2 3 4, टोटल 3 कितने हैं, 4 दिए गए हैं, इसलिए 3 की पावर 4 आ जाएगी। टोटल 5 कितने दिए गए हैं, 2 दिए गए हैं, इसलिए 5 की पावर 2 आ जाएगी, और ये आपका आंसर आ जाएगा।